सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लोकी का सेकंड एपिसोड आ चुका है और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर हिंदी में अवेलेबल है। और आज इस वीडियो में मैं उस एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप करूंगा। और ऑब्वियस ही बात है यार कि एपिसोड 2 अभी तक आपने नहीं देखा होगा, और अगर देख भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दिया है, तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हो और वहां से देख सकते हो आराम से। तो गाइस, जिसने भी एपिसोड 2 देख लिया है, मैं उसे बताना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को यहीं से कैरी ऑन रखे, और जिसने नहीं देखा वो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और नीचे जो लाल रंग का वो बटन है सब्सक्राइब का, उसे एक ग्रे कलर के बटन में चेंज कर दो प्लीज़ यार। और हाँ, मार्वल नर्ड्स को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ कुछ ना कुछ अपडेट्स मार्वल से रिलेटेड देता रहता हूँ। तो यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। यार, जो लोकी का फर्स्ट एपिसोड आया था उसमें इन्फिनिटी स्टोन्स को इतना कैजुअल दिखाकर हमारा माइंड ही ब्लास्ट कर दिया था। मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स की तो यार गजब ही बेइज्जती कर दी थी। गजब बेइज्जती है। लेकिन यार, इस एपिसोड में तो इन्होंने हद ही कर दी। मतलब इस एपिसोड में जो सेक्रेट टाइमलाइंस हैं, इन्होंने उन टाइमलाइंस को ही उड़ा दिया। मतलब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया है। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यहीं पर मल्टीवर्स खुल गया होगा। हाँ, खुल गया होगा शायद मल्टीवर्स, मगर मेरे हिसाब से बहुत सारे पार्ट जो हैं वो खुल गए होंगे, और उनको बंद करने के चक्कर में शायद यहाँ पर सेक्रेट टाइमलाइन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी वजह से शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी बन रही है। और भाई, लोकी सीरीज को तो बोला भी यही गया है कि ये सीरीज जो है ना वो पूरी तरीके से एमसीयू को बदल के रख देगी, और वो किस तरह बदलेगी वो हमने पहले और दूसरे एपिसोड में देख ही चुके हैं। तो चलो यार, अब इस एपिसोड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यार, ये एपिसोड स्टार्ट होता है लोकी से, जहाँ पर हमारा लोकी जो है वो मोबियस के साथ टीवीए के अंदर काम करने लगा है, और उसे वहाँ पर एक पोजीशन भी दी गई है, क्योंकि मोबियस को जो है उस पर बहुत भरोसा है, और टीवीए का एक भी बंदा उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता, मगर मोबियस जो है वो उस पर बहुत भरोसा करता है। और भाई, मुझे इस एपिसोड में लोकी के कामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोबियस की जो जॉब है ना वो बड़े ही खतरे में है। और चलो यार, इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यार, उसके बाद यहाँ पर लोकी मोबियस के साथ अपने पहले मिशन पर जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर लोकी मोबियस के साथ अपने पहले मिशन पर जाता है, और जिस जगह पर वो जाते हैं उस जगह का नाम था विस्कॉन्सिन, और ये 1985 के टाइम में ये लोग जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि लेडी लोकी जो है वो वहाँ पर छुपी हुई है। और ऑब्वियस ही बात है कि यार, लेडी लोकी ही इस सीरीज की मेन विलन होने वाली है, और उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए ये उसके पीछे जाते हैं। तो यार, लोकी की टीम से पहले वहाँ पर टीवीए की पहली एक टीम और जाती है, मगर लेडी लोकी उस पूरी टीम को आराम से निपटा देती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर हमारी ओरिजिनल लोकी की टीम आती है, और लोकी जो है वो वहाँ पर आकर उनका टाइम जज करता है, और उसके चक्कर में लेडी लोकी जो है वो वहाँ से भाग जाती है, और लोकी की वजह से सारे लोग मोबियस पे गुस्सा उतारने लगते हैं, और बोलते हैं कि लोकी किसी भी काम का नहीं है। लेकिन मोबियस जब भी उसे एक आखिरी मौका देता है, और उसके बाद लोकी जो है वो टीवीए की लाइब्रेरी में जाता है, और कुछ फाइल्स जमा करके वो सर्चिंग करने में लग जाता है। और उन फाइल्स में सर्च करते करते कुछ लोकी को पता चलता है कि जब दुनिया खत्म होने वाली थी, मतलब वो लोग जो बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो गई है, या फिर कोई पार्ट खत्म हो गया है, या फिर कोई कॉन्टिनेंट खत्म हो गया है, या फिर शहर खत्म हो गया है, फिर लोकी मोबियस को समझाता है कि जैसे रैग्नारोक के टाइम में, अगर रैग्नारोक से होने से पहले लोकी एसगार्ड जाकर वहां के कुछ लोगों को मार देता है तो वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग आने वाले टाइम में मरने ही वाले हैं, और उससे कोई दूसरी टाइमलाइन भी क्रिएट नहीं होती तो इसी तरह वो एक जगह एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं जहां पर एक वोल्केनो होता है जो कि थोड़ी देर में ही फटने वाला होता है, और लोकी जो है वो वहां जाकर चिल्लाने लग जाता है और लोगों को वार्न करने लगता है कि थोड़ी देर में ही वोल्केनो फटने वाला है, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि हम फ्यूचर से आए हैं, हम ये सब कुछ देख चुके हैं। तो उसके बाद लोकी उसे समझाता है कि जो लेडी लोकी है वो इन्हीं किसी टाइमलाइन में छुपी हुई है जो जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो ये लोग यही चीज सुनकर 2050 अलबामा में जाते हैं, जहाँ पे एक रॉक्सकार्ट कंपनी थी, और वो जगह एक बहुत ही बड़े तूफान की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी, और लेडी लोकी भी उसी रॉक्सकार्ट कंपनी में अंदर छुपी हुई थी। और जब टीवीए वाले कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं तो वो लेडी लोकी धीरे धीरे कर सारे लोगों को बेहोश करने लग जाती है, और उसके बाद लोकी जो है वो लेडी लोकी के सामने आ जाता है, और उसके बाद लोकी जो है वो लेडी लोकी के सामने जाता है और उससे डील करने की कोशिश करता है कि हम लोग मिलकर समय रक्षकों की गद्दी छीन लेंगे और खुद टाइम को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके बाद भी लेडी लोकी उसकी बात नहीं मानती, और वो उसके सेक्रेट टाइमलाइन को उड़ा देती है,
और जिसकी वजह से टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस बनने लगती हैं, और ये टीवीए के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी और जिसकी वजह से मल्टीवर्स खुलना स्टार्ट हो गया था। और अब अगर ये लोग इसे भी नहीं रोक पाए तो मल्टीवर्स पूरी तरीके से खुल जाएगा, और उसके बाद ये जो लोकी है वो मॉबियस को धोखा देके लेडी लोकी के पीछे चला जाता है। और अब ऑब्वियस सी बात है यार, अब टीवीए वाले मॉबियस को जॉब से निकाल ही देंगे, या उसी को बोलेंगे कि ये जो तुम्हारी वजह से रायता फैला है ना, वो तुम्हारी वजह से ही फैला है और अब तुम ही उसे ठीक करो। तो यार सारी बातें परे रखकर मेरे को ये एपिसोड फर्स्ट वाले एपिसोड से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यार मेरे हिसाब से आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको मेरा ये ब्रेकडाउन टाइप का रीकैप समझ में आ गया हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। और हाँ, अगर आप मार्वल के फैन हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस लाल बटन को एक ग्रे कलर के बटन में दबा दो और वो जो साइड में घंटा बना हुआ उसे भी दबा देना। और मार्वल नर्ड्स को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ अक्सर कुछ ना कुछ मार्वल से रिलेटेड अपडेट्स देता ही रहता हूँ। तो यार चलो मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।